खबर मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर लगातार मतदान जारी है। पहले चरण की 6 सीटों पर 88 प्रत्याशी मैदान में हैं। जहां मध्य प्रदेश की 6 सीटें हैं, सीधी, शहडोल, मंडला, बालाघाट में वोटिंग जारी है। वहीं जबलपुर और छिंदवाड़ा में भी मतदान जारी है। सभी मतदाता मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं और सभी अपने मत का प्रयोग करते हुए एक के बाद एक वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं। एमपी की सबसे हॉट सीट जो है वो है छिंदवाड़ा। सारे मतदान स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और विशेष बात यह है कि मतदान स्थल पर गर्मी में मतदाताओं के लिए बूथों पर विशेष व्यवस्था की गई है। आप बता दें कि आज सभी राज्यों की, माफ कीजिएगा, 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान जारी है। जहां एमपी की बात की जाए तो एमपी की 6 सीटों पर वोटिंग जारी है। मंडला से बात की जाए तो मंडला से बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते हैं और उनके सामने ओंकार सिंह मरकाम मैदान में हैं। वहीं सीधी की बात की जाए तो सीधी से डॉक्टर राजेश मिश्रा बीजेपी से प्रत्याशी हैं और कांग्रेस से कमलेश्वर पटेल को मैदान में उतार चुकी है, जिसके लिए आज इन सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। शहडोल में हिमाद्री सिंह बीजेपी से प्रत्याशी हैं तो उनके सामने फुंदेलाल मार्को कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। वहीं जबलपुर में आशीष दुबे बीजेपी प्रत्याशी हैं, दिनेश यादव कांग्रेस से प्रत्याशी मैदान में हैं। बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश से बता रहे हैं, जहां लोकतंत्र का पर्व का आगाज आज हो चुका है। सभी लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान स्थल पहुंच रहे हैं। भारी संख्या में मतदान करने की पीएम मोदी द्वारा भी अपील की गई, जिसके बाद से सभी अपने मतदान स्थल पहुंचकर वोटिंग के लिए पहुंचे हैं। मंडला से बात की जाए तो फग्गन सिंह कुलस्ते ओंकार सिंह मरकाम मैदान में हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते बीजेपी प्रत्याशी हैं और उन्हीं के सामने कांग्रेस ने ओंकार सिंह मरकाम को मैदान में उतारा है। दोनों के बीच सीधी टक्कर देखी जा सकती है। सीधी में डॉक्टर राजेश मिश्रा बीजेपी प्रत्याशी हैं, वहीं उनके सामने कमलेश्वर पटेल शहडोल से, माफ कीजिएगा, कमलेश्वर पटेल कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए हैं।